और अचानक से अगर मैं आपको बोलूं दैट एक नया रूट डिस्कवर हुआ है एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दुर्ग टू दिल्ली इज एक्चुअली इट गोज थ्रू बिलासपुर, ठीक है? सो यू विल मेक दिस एंट्री दिस अपडेशंस इन द डी मैट्रिक्स, राइट? बट ये बताइए, जब आप मुझे रूट बताएंगे दिल्ली से दुर्ग तक सबसे शॉर्टेस्ट रूट, तो दिल्ली के पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा सो दैट मुझे सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े? यानी अगर मैं उल्टा चलूं स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं अगर ये बोलूं चलो ठीक है मुझे दिल्ली तक पहुंचना है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट बताइए, तो आप बोलेंगे देखो दिल्ली तक पहुंचना है तो सबसे पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? शुड आई गो टू नागपुर और शुड आई गो टू दुर्ग, सॉरी बिलासपुर? या बिलासपुर सर, बिलासपुर, एग्जैक्टली. सो अगर शॉर्टेस्ट रूट बिलासपुर से होकर जाता है तो आप जब मुझे रूट बताएंगे आप ये बोलेंगे सर दिल्ली पहुंचने के लिए पहले आपको बिलासपुर पहुंचना है, क्योंकि बिलासपुर पहुंच गए तो वो रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है, राइट? डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? यस नो या ओके? तो एग्जैक्टली हमारा जो पाई मैट्रिक्स है, जो प्रेडेसेसर मैट्रिक्स है, ये एग्जैक्टली यही करता है. हम पाई मैट्रिक्स में ये बताएंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वहां तक जाने के लिए डेस्टिनेशन से पहले आपको कहां पहुंचना है. स्टूडेंट्स प्लीज माइंड माय वर्ड्स, डेस्टिनेशन से पहले आपको कहां पहुंचना है? दिल्ली से पहले आपको बिलासपुर पहुंचना है शॉर्टेस्ट रूट के लिए. ये जो एंट्रीज हैं ये रहती है प्रेडेसेसर मैट्रिक्स में. नाउ लुक एट दिस पाई जीरो. पाई जीरो में जब मुझे सी और बी का एंट्री करना था तो मैंने उसको यहां पे निल किया. कैन यू गेस व्हाई इट इज निल? व्हाई इट इज निल? बिकॉज सी से बी जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, ठीक है? देर इज नो रूट दैट गोज डायरेक्टली फ्रॉम सी टू बी. कोई रास्ता नहीं है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा निल, राइट? अब इमेजिन कीजिए मैं आपको यह बोलता कि सी ए का पाई मैट्रिक्स क्या होगा. सी ए, लुक एट दिस, सी ए, सी ए का सबसे शॉर्टेस्ट रूट 2 किलोमीटर का है. तो डी जीरो मैट्रिक्स में सी ए की एंट्री होती 2. सबसे छोटा रास्ता जो हम अभी तक जानते हैं वो है 2 का. तो अब मुझे बताइए सी ए का पाई जीरो एंट्री क्या होना चाहिए? सी ए से जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो 2 किलोमीटर का है. तो मुझे बताइए अगर मुझे ए तक पहुंचना है तो ए तक पहुंचने के लिए इसके पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? और मुझे स्टार्ट सी से करना है. इट्स ए ट्रिवियल क्वेश्चन एक्चुअली. सी पे ही रहेगा. या एग्जैक्टली, ट्रिवियली ये सी रहेगा, राइट? सी तक पहुंचने के लिए, ए तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे सी तक पहुंचना पड़ेगा. बिकॉज अभी तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट का इंफॉर्मेशन है वो ये कहता है कि सी से ए तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट सी से ही जाता है, राइट? बस इसी पाथ पे, इसी कंसेप्ट को पकड़ के हम लोग पाई मैट्रिसेस बनाने वाले हैं, राइट? नाउ लेट लुक एट दिस. इस ग्राफ में जब मैं D1 कैलकुलेट करूंगा, D1 मतलब एक्चुअली D1 मतलब कौन से नोड से होके जाना है बताइए. व्हाट इज D1? कौन से नोड से होके जाना है? मैं 1 मतलब A ले रहा हूं, ठीक है? मैं A को 1 मैट्रिक्स 1 नोड मान रहा हूं. सो नाउ हमारे D0 में, अगर आप याद करें D0 में CB की एंट्री थी इंफिनिटी, लेकिन D1 में CB का इंफिनिट एंट्री चेंज होके 5 हो गया. जरा चेक कीजिए, डू यू एग्री विथ मी? क्या D1 का CB का एंट्री चेंज होना चाहिए? डू यू एग्री कि इसका एंट्री चेंज होना चाहिए? CB का मतलब है, या क्यों चेंज होना चाहिए? बिकॉज अब मैं C से पहले A जाऊंगा, ठीक है? एंड A से मैं जाऊंगा B, एंड देन आई विल ट्राई टू सी क्या ये कंबाइंड डिस्टेंस बेटर है इंफिनिटी से. सी से ए का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर एंड ए से बी का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर. तो सी से बी का जो डिस्टेंस जो ए से होके जाता है दैट इज 5, एंड 5 इज बेटर देन इंफिनिटी, राइट? नाउ सी द पाई जीरो, पाई वन मैट्रिक्स. पाई वन में पहले यहां पे लिखा था, देखिए पहले यहां पे निल लिखा था. ये निल का मतलब था सी से बी जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है? अब सी से बी जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो वाया ए होके जाता है, मतलब आप यहां से यहां जाते हैं एंड फिर आप यहां से यहां जाते हैं. यानी ये हमारा हो गया दुर्ग, ठीक है?
ये हमारा हो गया दिल्ली, हमको दिल्ली तक पहुंचना था, और आपको पता चला कि दिल्ली जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता बिलासपुर से होके जाता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार बताओ मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो उसके लिए दिल्ली पहुंचने के लिए सबसे पहले कहाँ पहुंचना पड़ेगा? तो आप मुझे दुर्ग नहीं, आप मुझे बिलासपुर बोलेंगे, बिकॉज आपने जो रास्ता डिसाइड किया है शॉर्टेस्ट, वो वाया बिलासपुर जाता है, राइट? सो मुझे बताइए, अब इस ग्राफ में अगर आपको सी से बी जाना है, सबसे छोटा रास्ता 5 किलोमीटर का है, दैट्स फाइन, बट सी से बी जाने के लिए बी के जस्ट पहले कहां पहुंचना पड़ेगा आपको? बी के जस्ट पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? ए पे ए पे। तो दिस शुड बी एक्चुअली ए, ठीक है, दिस वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई एंड, मैंने गलती से नोट का नंबर लिख दिया, दिस शुड बी ए, ठीक है, दिस शुड बी ए, नॉट द नोड वर्टेक्स। ये मैं यहां पे न्यूमेरिक वर्टेसेस नहीं रहा हूं। आर यू क्लियर विद दिस कि मैंने यहां पे ए क्यों लिखा? प्रेडिसेसर मैट्रिक्स, नोड नंबर 1 था, इसलिए मैंने 1 लिख दिया था एक्चुअली, राइट? सो अगर आपको सी से बी जाना है, तो जो रास्ता आपने अभी तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्कवर किया है, इसमें बी से पहले, बी का प्रेडिसेसर है ए, इसलिए यहां पे ए लिखा हुआ है। आर वी क्लियर विद दिस एंट्री स्टूडेंट्स? फिर आगे बढ़ेंगे। आर वी क्लियर कि यहां पे ए क्यों आया? मैं सबको पूछ रहा हूं, सी से बी जाने का जो सबसे छोटा रास्ता अभी तक हम जानते हैं, उसमें बी के पहले आपको जिस नोड पे पहुंचना है, उसी को हम यहां पे एंट्री करते हैं, और बी से पहले आपको ए पहुंचना है, इसलिए यहां पे ए आया। आगे बढ़ें, कैन वी मूव? या फाइन, यस सर, दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रेडिसेसर मैट्रिक्स। देखने से बड़ा उटपटांग सा लगता है, बट दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, जब आप प्रेडिसेसर मैट्रिक्स का आई जे वाला एंट्री करेंगे, ठीक है, आई जे का एंट्री मतलब, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट स्लाइड में हमने एंट्री किया था सी बी का। तो इमेजिन कीजिए, आपके पास कोई एक नोड है आई एंड कोई एक नोड है जे, और आप कह रहे हैं कि मैं उनका पाई मैट्रिक्स का एंट्री करूंगा फॉर द राउंड के। अब सबसे पहले आप ये देखिए, उसके एक राउंड पहले, एक राउंड पहले के जो डिस्टेंसेस थे वो क्या थे? तो जो आई जे का एक राउंड पहले तक का जो इंफॉर्मेशन था, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं बाई डी के माइनस वन। आप बोलेंगे सर के माइनस वन क्यों लिखा है आपने? देखिए, हम काम कर रहे हैं राउंड के में, ठीक है, तो राउंड के में जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, याद कीजिए जब आप D4 कैलकुलेट कर रहे थे, आप D3 का इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, जब आप D3 का अपडेट करते हैं तो आप D2 को यूज करते हैं। तो हम जब राउंड के में काम कर रहे हैं, के आइटरेटेड आइटरेशन में काम कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस हम यूज करेंगे वो के माइनस वन राउंड का रहेगा, ठीक है। अब आपको आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है, वो है डी के माइनस वन। अब आप ये सोच रहे हैं राउंड के में, अगर मैं के से होके जाता हूं, अगर मैं आई से पहले कैसे भी करके के तक पहुंच जाऊं, और के से मैं अगर जे तक पहुंच जाऊं, तो क्या ये डिस्टेंस बेटर होगा? तो इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये देख रहे हैं कि आई से के तक जाने का डिस्टेंस कितना है, यानी दुर्ग से बिलासपुर तक जाने का डिस्टेंस कितना है, और उसके बाद के से जे तक, यानी बिलासपुर से दिल्ली तक, अगर ये डिस्टेंस, अगर आई से पहले के पहुंच जाते हैं और के से पहले जे पहुंच जाते हैं, अगर ये कंबाइंड डिस्टेंस हमारे अभी तक के डिस्टेंस से बेटर है, तो हम अपडेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट? अब यही करते हैं। तो अब देखिए, अगर इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम बेटर है, ये है बेटर वाला, आप देख सकते हैं, लेस देन, अगर आई से के जाऊं और के से जे, अगर इन दोनों का कंबाइंड सम बेटर है अभी तक के डिस्टेंस के इंफॉर्मेशन के बारे में, इन दैट केस मुझे अपने पाई मैट्रिक्स को अपडेट करना है। एंड जब आप पाई मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे, ठीक है, ओके, जब आप पाई मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे, तो ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे, यहां पे के जे क्यों आ रहा है? देखिए, ये जो पाई मैट्रिक्स है, इस केस में देखिए, इस केस में पाई मैट्रिक्स अपडेट नहीं हो रहा है, अगर आप देखें तो दिस इज सेम एज दिस, ठीक है। अगर के से होकर जाने में जो डिस्टेंस है, अगर वो बेटर नहीं मिल रहा है, तो वी आर नॉट अपडेटिंग द पाई मैट्रिक्स, वी आर अपडेटिंग द पाई मैट्रिक्स इन दिस केस, जब नोड के से होकर जाने में हमको फायदा मिल रहा है,
हमको डिस्टेंस कम लग रहा है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पाई मैट्रिक्स में हम पाई के जे क्यों कर रहे हैं इसको? हम पुराने वाले पाई मैट्रिक्स से एंट्री ले तो रहे हैं, बट रादर देन राइटिंग इट आई जे वाई वी आर मेकिंग इट के जे? इसका मीनिंग कौन बताएगा? यू कैन यूज द एग्जाम्पल ऑफ दुर्ग बिलासपुर दिल्ली वाला, यूजिंग के एज इंटरमीडिएट, ऑफकोर्स यूजिंग के एज इंटरमीडिएट, ये के जे क्यों है? ये के और जे का मतलब क्या? या स्टूडेंट दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, आई टू के एंड के टू जे, आई टू के एंड के टू जे दैट्स फाइन बेटा, लेकिन यहाँ पे के जे क्यों आया? कैन यू एक्सप्लेन? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे आपसे। मैं तो आई जे के पाई मैट्रिक्स में काम कर रहा था, अचानक से आई जे के जगह के जे क्यों हो गया? ओके इट्स वेरी इजी, देखिए हमारे केस में आई इज दुर्ग, ठीक है, हमारे केस में आई वॉज दुर्ग, हमारे केस में जे वॉज दिल्ली, ठीक है, दुर्ग दिल्ली लिख के आपको जल्दी समझ में आएगा, एंड हमारे केस में जे वॉज बिलासपुर, ठीक है। नाउ अभी तक हमको ये पता चला कि दुर्ग से दिल्ली जाने का सबसे छोटा रास्ता बिलासपुर होके जाता है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अभी अभी यह पता चला कि दुर्ग से दिल्ली जाने का सबसे छोटा रास्ता बिलासपुर होके जाता है, तो अब आप जब उल्टा रास्ता बताएंगे, उल्टा रास्ता कब आप जब बताएंगे कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कहां पहुंचना है, तो दिल्ली के पहले, अभी तक आपको मालूम था दिल्ली पहुंचने के लिए सबसे पहले नागपुर पहुंचना है, ठीक है, अब दिल्ली पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है आप उसमें आप मुझे बोलेंगे कि यार तेरे को दिल्ली पहुंचना है ना, तो तू सबसे पहले बिलासपुर पहुंच जा, और हमारे बिलासपुर क्या है? के है। तो एक्चुअली आई जे वाला जो पाई मैट्रिक्स है, यानी आई से जे पहुंचने के लिए, अभी तक आपने बोला था कि आई से जे पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कहीं एक जगह पहुंचना है, अब वो जगह क्या बन जा रहा है? एनी गेसेस? अब वो जगह बन जा रहा है के, ठीक है, आप कह रहे हैं कि देख एनी हाउ तू पहले के तक पहुंच जा, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता के होके जाता है। और अब मैं आपसे पूछता हूं के तक कैसे पहुंचूं मैं, यानी मैं बिलासपुर तक कैसे पहुंचूं? मुझे तो बिलासपुर तक का भी रूट नहीं पता, तो ये एंट्री कहां से मिलेगा बिलासपुर तक पहुंचने का, यानी के तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मुझे कहां से पता चलेगा? मुझे तो ये भी नहीं पता ना बिलासपुर कैसे पहुंचना है, ये पता चलेगा उस एंट्री में जो हमारे मैट्रिक्स का के जे वाला एंट्री है। याद रखिए के जे एंट्री, ये एंट्री बता रहा है कि अगर तुम्हें के जे पहुंच मतलब के से लेके जे पहुंचना है तो एक्चुअली उल्टे रास्ते में तुम्हें सबसे पहले कहां पहुंचना है, यानी ये बता रहा है प्रेडेसेसर ऑफ के जे कि तुम्हें के पहुंचने के लिए पहले कौन से स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज लाइक आप ये कह रहे हैं दुर्ग से दिल्ली तक जाने का सबसे छोटा रास्ता बिलासपुर होके जाता है, और फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि बिलासपुर कैसे जाऊं मैं, तो आप मुझे बोल रहे एक काम कर बिलासपुर वाली एंट्री चेक कर, लुक एट द एंट्री कि बिलासपुर से दिल्ली तक पहुंचने के लिए बिलासपुर का सबसे पहले स्टेशन कौन सा आता है। सो इन दिस वे हम रूट को बैकवर्ड ट्रेवर्स करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। हम दिल्ली पहुंचने के लिए पहले बिलासपुर तक पहुंचे, फिर हम पूछ रहे हैं बिलासपुर पहुंचने के लिए कहां पहुंचना है, आप बोलेंगे रायपुर, फिर मैं बोलूंगा रायपुर पहुंचने के लिए कहां पहुंचना है, तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू बैक ट्रैक द रूट, वी विल बैक ट्रैक फ्रॉम द डेस्टिनेशन टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। द एग्जांपल विल मेक इट मोर क्लियर। नाउ लुक एट दिस, वापस आते हैं ओरिजिनल एग्जांपल में, ये हमारा ओरिजिनल डब्लू ग्राफ था, अपने अपने कॉपी में दोबारा इसको देखिएगा, दिस इज द डब्लू ग्राफ, दिस वन वॉज द डी जीरो ग्राफ एंड दिस वन इज द पाई जीरो ग्राफ। जल्दी से बताइए पाई जीरो एंड डी जीरो में क्या डिफरेंस है, क्विकली एनी वन, वट इज द डिफरेंस बिटवीन पाई जीरो डी जीरो? मैं पाई जीरो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं स्टूडेंट, जल्दी बताइए, व्हाट इज द कैलकुलेशन टू पाई जीरो? या एनीवन? Are you, am I audible, students? Am I audible? Yes, sir.
या यस सर गिव मी द कैलकुलेशन ऑफ पाई जीरो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हूं ओके बड़ा आसान है यहां देखिए पाई जीरो ये कह रहा है अगर नोड आई से जे जाने का रास्ता है ठीक है क्योंकि हम डी जीरो में काम कर रहे हैं पाई जीरो में काम कर रहे हैं तो सिर्फ डायरेक्ट रास्ता देखेंगे अगर आई से जे जाने का डायरेक्ट रास्ता है तो पाई आई जे की एंट्री में कैन यू गेस क्या आएगा पाई आई जे की एंट्री में आएगा आई ठीक है यानी आप ये कह रहे हैं कि देखिए रास्ता आई से होके जाता है यानी बैक ट्रैक करना है जे पहुंचने के लिए पहले आई पहुंचना है और अगर कोई रास्ता नहीं है तो नील कर दीजिए लुक एट दिस डायगनल एलिमेंट्स ये डायगनल कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है ठीक है इसलिए नील 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 लुक एट दिस इंफिनिटी आप कह रहे हैं V1 से V4 जाने का जो रास्ता है वो इनफाइनाइट लंबा है मतलब रास्ता नहीं है ठीक है इसलिए V1 से V4 का एंट्री है नील पाई में नाउ लुक एट दिस आप कह रहे हैं V1 से V3 जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो है 8 किलोमीटर ठीक है मैं मानता हूं 8 किलोमीटर लेकिन V1 से V3 जाने के लिए मुझे जो 8 किलोमीटर ट्रेवल करना है उस ट्रेवल करने के लिए मुझे पहले पहुंचना कहां है यानी V3 पहुंचने के लिए बैक ट्रैक कीजिए V3 पहुंचने के लिए कहां पहुंचना है एंड द आंसर इज V1 इसलिए मैंने यहां पे 1 लिखा है ठीक है बैक ट्रैक कीजिए डेस्टिनेशन से लुक एट दिस 7 V2 से V5 पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर लगेगा दैट्स फाइन लेकिन V2 से V5 पहुंचने के लिए V5 से पहले कहां पहुंचना है कैन यू गिव मी द आंसर V5 से जस्ट पहले V5 के प्रेडेसेसर कौन है कहां पहुंचना है बैक ट्रैक कीजिए सर V2 इसलिए यहां पे एंट्री है V2 मतलब 2 आर वी क्लियर विद दिस लुक एट ऑल द एंट्रीज चेक ऑल द एंट्रीज पाई जीरो में अगर आपने कोई नंबर लिखा हुआ है दैट मींस उस जर्नी को करने के लिए उसके पहले कहां पहुंचना है प्रेडेसेसर मैट्रिक्स आप कह रहे हैं कि दुर्ग से रायपुर 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर से तो मैं बोल रहा हूं रायपुर जाने के लिए पहले कौन से स्टेशन जाना पड़ेगा तो आप मुझे बोल रहे हैं पहले तेरे को दुर्ग जाना पड़ेगा क्योंकि दुर्ग से रायपुर का रास्ता है आर वी क्लियर विद दिस यस नो आर वी क्लियर विद पाई जीरो या आगे बढ़े आप थोड़ा मुश्किल होने वाला है पाई वन थोड़ा मुश्किल होगा ठीक है नाउ सी द कैलकुलेशन ऑफ D1 जरा अपने अपने कॉपी में D1 का कैलकुलेशन देखिए ओके अपने अपने कॉपी में देखिए D0 के मुकाबले D1 में जो जो अपडेट हुआ हम उसी को चेंज करेंगे ठीक है बाकी को क्यों टाइम वेस्ट करें कैन यू टेल मी कौन कौन सा अपडेट हुआ है D0 D1 में D0 D1 कौन सा अपडेट हुआ है D0 से D1 में कौन सा अपडेट हुआ है आई थिंक ये वाला V4 V2 अपडेट हुआ है यस यस सर ठीक है तो आइए V4 V2 का केस डिस्कस करते हैं ओके D0 में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन था कि V4 से V2 तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ठीक है यानी जो रास्ता है वो इंफिनिटी लंबा है ठीक है हमारे पास ये इंफॉर्मेशन था D0 में ठीक है फिर आपने बोला कि अगर हम अच्छा जब ये सिचुएशन था तो पाई मैट्रिक्स में जब ये सिचुएशन था तो पाई मैट्रिक्स में आपने 4,2 का एंट्री क्या लिखा था याद कीजिए लुक एट द पाई मैट्रिक्स मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको पाई मैट्रिक्स में 4,2 का एंट्री था नील इसलिए था क्योंकि इन्फिनिटी लंबा रास्ता को हम रास्ता नहीं मान सकते ठीक है तो बेसिकली आप ये बता रहे थे कि देख यार बैक ट्रैक करेगा भी ना तो 2 तक पहुंचने के लिए तेरे को तू कहीं भी नहीं पहुंच सकता मतलब 2 तक तू पहुंच नहीं सकता ठीक है अब आपने D1 में इस बात को आइडेंटिफाई किया कि V4 से अगर आप पहले V1 तक जाएं एंड V1 से अगर आप V2 तक जाएं तो दिस रूट इज बेटर देन इंफिनिटी एंड दिस रूट इज एक्चुअली 5 किलोमीटर्स ठीक है सो अब मुझे बताइए जो शॉर्टेस्ट रूट है V4 से V2 का अगर मैं उस रूट को फॉलो करता हूं स्टूडेंट ध्यान से सुनिए इस बात को
जो शॉर्टेस्ट रूट आपने अभी अभी डिस्कवर किया है V4 से V2, अगर मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं तो बैक ट्रैक करते हुए V2 के पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा? V2 से पहले मुझे कहां जाना चाहिए इस रूट के लिए? बैक ट्रैक कीजिए. या एनी आंसर्स? V4 से V2 जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता 1 होके जाता है. तो अगर मैं बैक ट्रैक करूं तो V2 से पहले मुझे इमीडिएटली पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? 1 पे. एग्जैक्टली 1 पे. एग्जैक्टली इसीलिए यहां पे 1 लिखा हुआ है प्रेडिसेसर मैट्रिक्स में. नाउ आर वी क्लियर विद दिस कि वहां पे 1 कहां से आया? आप ये बैक ट्रैक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देख यार तेरे को V2 तक अगर पहुंचना है तो जो रास्ता मैं जानता हूं सबसे शॉर्ट उसमें तू पहले 1 तक पहुंच. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ चेक ऑल द एंट्री. देखिए और कोई एंट्री चेंज हुआ क्या? जस्ट गो थ्रू द पाई 1 मैट्रिक्स जल्दी से. चेक द एंट्रीज. V4 V5 का पहले का एंट्री था, इंफिनिटी. एंड V4 V5 का अभी अभी हमको पता चला है वी हैव ए बेटर ऑप्शन ऑफ -2 एंड दिस मस्ट बी गोइंग थ्रू द वर्टेक्स 1. ठीक है, ये मैंने कैसे बता दिया बिना देखे? क्योंकि हम काम कर रहे हैं D1 में तो नेचुरली. ओके सो दिस इज अ मिस्टेक ना हियर. आई थिंक दिस शुड बी 1 राइट? यस सर. जस्ट जस्ट अ मिनट, आई विल चेक विद द सॉल्यूशन. दिस शुड बी 1. तब तक आप लोग चेक कीजिए जरा. लेट मी कंफर्म विद माय सॉल्यूशन. दिस शुड बी 1. V4 से V1 का नया एंट्री आया है. ओके जस्ट होल्ड ऑन. या दिस इज 1. स्टूडेंट्स इसको ठीक कर लीजिए. दिस इज 1. वेल ऑब्जर्व पॉइंट. ठीक है जरा और चेक कीजिए और कोई एंट्रीज. मैंने खुद टाइप किया इसको वर्ड में. सो दिस इज अ टाइपोमेटिक एरर एक्चुअली. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑफ कोरमैन. कोरमैन पेज नंबर 631. आई विल शेयर द पेज विथ यू. ठीक है, दिस इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल इन कोरमैन. ये टाइपिंग करते हुए मैंने मिस्टेक किया. दिस शुड बी 1. वेरी गुड पॉइंट. या एनी मोर एंट्रीज चेक कीजिए. आई थिंक मेरे अगले स्लाइड्स में ये गलती नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैंने बार बार टाइप किया सारे एंट्रीज को. या एनी मोर मिस्टेक्स इन दिस स्लाइड? आर वी ऑल क्लियर विद ऑल द एंट्रीज? स्टूडेंट्स आर वी क्लियर? आगे बढ़े. या मैं साथ साथ सॉल्यूशन चेक भी कर रहा हूं, बुक का डरिए मत. ओके नाउ दिस इज द एंट्री फॉर D2 Pi 2. अब आप मुझे बताइए सबसे पहले, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि हमारी एंट्री को चेक करें. जो जो एंट्री चेंज हुआ है बस उसी को देखेंगे. ठीक है, तो मुझे बताइए D1 से D2 में क्या क्या चेंज हुआ है. D1 से D2 के चेंजेस बताइए सो दैट हम बस चेंज पे फोकस करें. या मैंने एक चेंज नोटिस किया. या ओके दिस V1 V4 नोटिस किया मैंने. लुक एट दिस, ये चेंज हुआ है V1 V4 का एंट्री चेंज हुआ है D1 से D2 के बीच में. आइए इसको डिस्कस करते हैं. ओके सो आपके पास ये इंफॉर्मेशन था कि V1 से V4 तक जाने का सबसे छोटा रास्ता, आइए देखते हैं सबसे छोटा रास्ता क्या पता था. सबसे छोटा रास्ता हमको क्या पता था? इन्फिनिटी. ठीक है, सबसे छोटा रास्ता इन्फिनाइट है. और अभी अभी आपको पता चला है कि V1 से V4 तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है V2 होकर. और ये रास्ता है 4 किलोमीटर का. ठीक है, सो अब मुझे बताइए जब मैं पाई मैट्रिक्स की एंट्री करूंगा तो बैक ट्रैक अगर करना है तो V4 से पहले मुझे कहां पहुंचना चाहिए? V4 से जस्ट पहले कहां पहुंचना पड़ेगा इस छोटे रास्ते का फायदा उठाने के लिए? 2 पे. इसलिए ये एंट्री हो गया V2 मतलब 2. और एंट्रीज चेक कीजिए. मैं भी बुक से सॉल्यूशन वेरीफाई कर रहा हूं कि मैंने सही टाइप किया कि नहीं. चेक द एंट्रीज. या दिस लुक्स फाइन, मैंने सही टाइप किया है. आप लोग एक बार चेक कर लीजिए. आर यू सेटिस्फाइड विद द पाई एंट्रीज? आई विल वेट हियर. मैं वेट कर रहा हूं, सब लोग एंट्रीज चेक कर लीजिए. उन्हीं एंट्रीज को ध्यान दीजिए जिनमें चेंजेस आए हैं D1 एंड D2 के बीच में. बाय द वे अवनी, कोई चेंजेस दिख रहा है आपको D1 D2 के बीच में? और कोई चेंज D1 से D2 में? और क्या चेंज हुआ है D1 से D2 में? और कोई चेंज बताइए. V3 V4
सर वो हाँ वी थ्री वी फोर दोनों ही वी थ्री वी फोर ओके वी फोर वी थ्री वी फाइव वी फोर वी फाइव ओके फाइन वी थ्री वी फाइव अच्छा वी थ्री वी फाइव ओके ये दोनों चेंजेस हैं आइए आइए चेक करते हैं वी थ्री के लाइन में दो चेंजेस हैं हाँ ये चेंजेस हैं इन्फिनिटी वाले चेंज हो गए राइट वेरी गुड वी थ्री के लाइन में दो चेंजेस हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पे भी चेंजेस हो गए हैं और अभी आपको लग रहा होगा ये चेंजेस बड़े इजी हैं ये दोनों टू टू इसलिए आएंगे बिकॉज ये एंट्री बड़ा इजी है पाई टू का अभी तक इन्फिनिटी था मतलब अभी तक कोई रास्ता नहीं था और जैसे ही आपको कोई फाइनाइट फाइनाइट डिस्टेंस का रास्ता मिला उसने इन्फिनिटी को हरा दिया नेचुरली तो नेचुरली ये जो रास्ता है ये टू से होके जाता होगा ठीक है बिकॉज हम डी टू में काम कर रहे हैं तो ये एंट्रीज तो बहुत जल्दी निकाल दिया आपने आगे के एंट्रीज में कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम आगे बढ़ सकते हैं कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम कैन वी मूव अहेड प्रोसीड करें कैन वी प्रोसीड यस सर ओके फाइन यस सर नाउ दिस इज डी थ्री पाई थ्री धीरे धीरे कैलकुलेशन मुश्किल होता जाएगा आपके लिए या चेंजेस कौन बताएगा कम से कम एक चेंज बताइए मुझे पहले बताइए D2 से D3 में कोई एक चेंज बताइए D2 से D3 फिर देखते हैं उसका पाई एंट्री कैसे चेंज हुआ D2 से D3 V4 V2 ओके V4 V2 आइए फोकस करते हैं V4 V2 पे ओके स्टूडेंट्स लेट्स फोकस ऑन V4 V2 V4 से V2 तक का अभी तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको पता था वो था पुराने वाले डी में एंड पुराने वाले डी में पुराना मतलब डी मतलब डी टू पुराने वाले डी में वी फोर वी टू का डिस्टेंस था 5 किलोमीटर तो हमको ये पता था कि अभी तक का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर का है ठीक है अब हमको डी थ्री यानी हम थ्री से ट्राई कर रहे हैं थ्री से हमारा इंटरमीडिएट वर्टेक्स है थ्री अब हम फोर से पहले थ्री जाएंगे एंड थ्री से पहले टू जाएंगे और मैं ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ दे रहा हूं लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ दें इसको और इसको तो नया डिस्टेंस आ रहा है माइनस वन ठीक है द पॉइंट हियर इज दैट वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वी फोर एंड वी टू जैसे ही यहां पे रास्ता चेंज हुआ वी नीड टू अपडेट दिस अच्छा बाय द वे पाई इसके पहले वाले पाई मैट्रिक्स में यहां पर एंट्री क्या थी यहां पर एंट्री थी वन ये बता रहा था कि वी फोर से अगर तुम्हें वी टू जाना है तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो वन होके जाता है मतलब अगर तुम्हें जाना है V4 से लेके V2 तो हमें और कुछ नहीं पता पर इतना पता है कि वन के जस्ट पहले तुम्हें टू के जस्ट पहले तुम्हें वन तक पहुंचना है इतना पता है ठीक है अब रास्ता चेंज हो गया और नया जो रास्ता है वो थ्री होके जाता है तो आप मुझे बताइए अगर हम बात कर रहे हैं कि V4 से लेके V2 तक जाना है और अभी अभी आपने बोला है कि यार सबसे छोटा रास्ता जो है ना वो नोड वन से हो सॉरी वी टू ये वी टू है ठीक है सॉरी दिस इज वी टू अभी अभी आपको पता चला है कि वी फोर से वी टू तक जाने का सबसे छोटा रास्ता जो है वो थ्री से होके जाता है नोड नंबर थ्री से होके दैट इज वी थ्री और अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि चलो बताओ बैक ट्रैक करो ये जो छोटा रास्ता है इसमें V2 से जस्ट पहले मुझे कहां पहुंचना है V2 का प्रेडेसेसर कौन है V2 से पहले तो आप क्या बताएंगे V2 से पहले मुझे कहां पहुंचना चाहिए यस कहां पहुंचना चाहिए V2 से पहले यस बोलिए सबसे छोटा रास्ता अगर 3 से होके जाता है आपने अभी भी डिस्कवर किया तो V2 का प्रेडेसेसर कौन है यस एनी आंसर्स V3 तो आपको पहुंचना पड़ेगा V3 में एंड दैट्स द एंट्री हियर 3 पहले एंट्री यहां पे कुछ और था बिकॉज वो रास्ता कुछ और था आपने अभी बोला नया रास्ता निकला है सर बेटर रास्ता है तो जो बेटर रास्ता है वो थ्री से निकला है कैसे पता चला थ्री से निकला है क्योंकि हमको डी थ्री राउंड में ये पता चला है तो नेचुरली वी टू तक पहुंचने के पहले मुझे थ्री तक पहुंचना पड़ेगा और अगर आप सोच रहे हैं कि सर वी फोर वी थ्री तक का क्या तो वो एंट्री दूसरे एंट्री में आ जाएगा ये पॉइंट ठीक है एक बार देख लीजिए बाकी एंट्रीज आर यू सेटिस्फाइड विद द एंट्रीज ऑफ पाई थ्री फिर आगे बढ़ेंगे पाई फोर में और कोई चेंज D2 D3 में और कोई चेंज बताइए D2 D3 का और कोई चेंज जो आपको दिख रहा है या एनी मोर चेंजेस बिटवीन D2 एंड D3
नो सर। ओके आगे बढ़ें क्या फिर, जब एक ही चेंज था तो नेचुरली वही चेंज होगा, ठीक है आगे बढ़े D4 में। यस नो? यस सर। ओके फाइन, दिस आर D4 एंड Pi4 फॉर यू। सो स्टूडेंट्स अब मैं चाहूंगा कि आप खुद चेक करें, मैं काफी देर से बोल रहा हूं, लुक एट द एंट्रीज ऑफ D4 एंड Pi4। मैं बुक से वेरीफाई कर रहा हूं साथ साथ, सो दैट आई डोंट मेक अ टाइपिंग मिस्टेक। या दैट्स फाइन, देयर आर नो मिस्टेक्स फ्रॉम माय साइड। D4 एंड V4 चेक कीजिए, आर यू सेटिस्फाइड विद द एंट्रीज? देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग एंट्रीज, लुक एट दिस थ्री। इन तीनों पे फोकस कीजिए स्टूडेंट्स, V5 के कॉलम पे। अगर आप देखें तीन चेंजेस हैं लास्ट रो में। आई विल लाइक यू टू डिस्कस दिस थ्री एंट्रीज, इन तीन एंट्रीज को चेक कीजिए V5 के रो में। मुझे बताइए 4-3-4 क्यों आ रहा है? आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड इन दिस एंट्री, V5 एंड V2 का बताइए मुझे। V5 V2 कौन डिस्कस करेगा? V5 एंड V2 इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री टू हैव डिस्कस। 5 से 2 बताइए, 5 से 2। चलिए लास्ट वाले स्लाइड में आपको पता था V5 से V2 का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ठीक है। तो V5 से V2 का जो रास्ता हमको पता था वो इन्फिनिटी लंबा था, जो कि कोई रास्ता होता ही नहीं है, ठीक है। एंड क्योंकि वो इन्फिनिटी रास्ता नहीं होता है, सॉरी हम लोग कहां थे, हाँ ओके, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रास्ता नहीं मानते हम लोग, इसलिए यहां पे एंट्री नील था। यानी 5 से लेके 2 तक का जाने का दुनिया में कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए D4 वाले कैलकुलेशन में आपको पता चला कि V5 से V2 तक जाने का जो रास्ता है, अगर उसको हम नोड 4 से होके जाते हैं, अगर हम V4 से होके जाएं, तो ये रास्ता बेटर है। और नेचुरली इन्फिनिटी से तो बेटर होगा ही। एंड बाय द वे रास्ता कितना आ रहा है? ये रास्ता आ रहा है 5 का, ठीक है ठीक है। यहां तक क्लियर है? यू डिस्कवर्ड दैट 5 से लेके 2 तक का जो रास्ता, अभी तक का जो सबसे बेस्ट रूट है, दैट गोज यूजिंग 4, ठीक है। आर वी क्लियर नाउ? अब आप मुझे बोलेंगे कि सर पाई वाले मैट्रिक्स की एंट्री, हम यहां पे कौन से पाई वाले मैट्रिक्स की एंट्री की बात कर रहे हैं? वी आर वर्किंग ऑन 5, 2, ठीक है, 5, 2 की एंट्री की बात कर रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आप जरा पिछले स्लाइड में जाइए जहां मैंने पाई मैट्रिक्स का फॉर्मूला लिखा है। लुक एट दिस फॉर्मूला वंस अगेन, आई विल ट्राई टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस फ्रॉम दिस। ओके या ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। जब जब डिस्टेंस अपडेट होता है, जब आपको पता चलता है कि वाया के होकर जाने का रूट बेटर है, हमारे केस में अभी डिस्टेंस अपडेट हुआ है, ठीक है, आपको पता चला है कि 4 से होके जाने में बेटर रूट मिल रहा है। जब डिस्टेंस अपडेट होता है एंड यू आर वर्किंग ऑन पाई आई जे फॉर राउंड के, सो बाय द पाई एंट्री इज अपडेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, हम पाई वाले आईजे एंट्री में जो नया एंट्री लिखेंगे वो कहां से लेंगे? हम जाएंगे पाई के एक पुराने वाले मैट्रिक्स में। सो इन द कैलकुलेशन ऑफ Pi4 वी विल गो टू Pi3, ठीक है सॉरी हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर कैलकुलेटिंग Pi4। और हम कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे थे Rho 5 एंड Column 2। वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड वी डिस्कवर दैट वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज हमारा इंफॉर्मेशन अपडेट हुआ है। सो हमारा फॉर्मूला कहता है दिस इंफॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड बाई, देखिए Pi3 फॉर्मूला देखिए, K-1 मतलब 3 एंड यहां पे 5-2 के जगह क्या आ जाएगा? डिड यू नोटिस द फॉर्मूला? यस द फॉर्मूला विल बी K, दैट इज 4। यानी आपको आपको 4 तक पहुंचने का रास्ता निकालना है, 4-2। तो वी विल टेक द एंट्री फ्रॉम द पाई मैट्रिक्स Pi3 Rho 4 एंड Column 2। नाउ जस्ट गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंट्री, व्हाट इज द एंट्री Pi3 4 2। आइए निकालते हैं Pi3 4 2।
this is pi 3 and this is row number 4 and this is column number 2 and pi 3 4 2 is 3. So uska matlab jo pi 5 2 hai wo ho jayega 3 by my formula. So this entry is 3. Am I clear or do you want me to repeat? Students, do you want me to repeat? Don't hesitate. Yes, sir. Okay. आप लोग मेरे साथ साथ चलिए, ठीक है? Please follow my instructions. मेरे साथ साथ करेंगे, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है? Are we ready? Yes, no? Okay, fine. Yes. मैं discuss कर रहा हूँ students, entry number 5-2. इस entry पे focus कीजिए, जहाँ पे मैं अभी mouse लगा रखा है मैंने. 5-2 की entry discuss करते हैं. 5-2, ठीक है? Okay. 5-2 के बारे में हमारे पास जो लास्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन था वो ये था कि इन्फिनिटी सबसे बेस्ट रूट इन्फिनिटी था, ठीक है? तो मैंने यहां पे इसको लिखा हुआ है, ये देखिए इसको लिखा हुआ है, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर मार्कर. 5-2 के बारे में जो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 5 और 2 के बीच में जो सबसे बेस्ट रास्ता है वो इन्फिनिटी लंबा है, ठीक है? इन्फिनिटी लंबा रास्ता का मतलब है कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? हम काम कर रहे हैं राउंड नंबर 4 में. वी आर वर्किंग ऑन के इक्वल टू 4. हम के इक्वल टू 4 के आइटरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, 5 से पहले 4 तक जाएंगे एंड 4 से 2 तक जाएंगे एंड डिस्टेंसेस देखेंगे. नाउ आइए 5 से 4 तक का डिस्टेंस देखते हैं. 5 से 4 तक का डिस्टेंस देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा D3 में एंड 5 और 4 का जो डिस्टेंस है वो है 6, ठीक है? सो आई विल राइट हेयर एज 6 एंड 4 से 2 तक का डिस्टेंस देखते हैं. आइए 4 से 2 तक का डिस्टेंस है -1, ठीक है? सो मैं यहां पे लिखूंगा -1, राइट? नाउ 5 से लेके 2 तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं थ्रू दिस रूट, दिस इज 6 -1. सो 6 प्लस -1 एंड दिस इज 5. उसका मतलब है 5 से लेके 2 तक का जाने का जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है 5 और वो मैंने यहां लिखा हुआ है. आर वी क्लियर अप टू दिस पॉइंट? आर वी क्लियर अप टू दिस पॉइंट? या दिस क्लियर, ठीक है? सो 5 से 2 तक का जाने का जो नया एक अच्छा रास्ता मिला वो है 5 किलोमीटर का, ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट दिस एंट्री? ये पाई वाला एंट्री कैसे करेंगे? जरा पीछे जाते हैं एंड पाई मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखते हैं मैं एक बार, ठीक है? हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर तुम आई जे एंट्री कर रहे हो पाई मैट्रिक्स का एंड रोड एंड राउंड आपका के चल रहा है. हमारे लिए राउंड है 4, याद कीजिए हमारा के 4 चल रहा है. मैं यहां पर लिख देता हूं ये हमारा के वैल्यू है, ठीक है? और हम कैलकुलेट कर रहे हैं आई इक्वल टू 5, हम लोग रो नंबर 5 वाले में काम कर रहे हैं एंड हमारा जे इक्वल टू 2 है, मतलब बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन रो 5 एंड कॉलम 2, ठीक है? और हमारा फॉर्मूला कहता है अगर नोड के से होके जाने में डिस्टेंस कम पड़ रहा है, ये वो वाला कंडीशन है जब डिस्टेंस कम पड़ रहा है. देखिए, डिड यू नोटिस लेस देन डिस्टेंस? देखिए लेस देन, ये तो वो कंडीशन है जब डिस्टेंस ज्यादा पड़ रहा है. हमने देखा कि वाया के होके जाने में डिस्टेंस कम पड़ रहा है. बाय द वे हमारा डिस्टेंस क्या क्या था? हमारा डिस्टेंस था 6 और -1, ठीक है? हमने देखा कि ये वाला डिस्टेंस जो था 6 प्लस -1 दैट इज 5, ये डिस्टेंस कम पड़ रहा है. तो जब वाया के होके जाने में डिस्टेंस कम पड़ता है देन द पाई एंट्री इज मॉडिफाइड यूजिंग दिस फॉर्मूला. एंड ये फॉर्मूला बेसिकली क्या बोलता है कि पाई के को अपडेट करने के लिए आप एक पुराने वाले पाई मैट्रिक्स में जाइए, के -1 में जाइए. तो हमारे लिए के का वैल्यू 4 है तो के -1 हो जाएगा 3, यानी हम पुराने वाले पाई मैट्रिक्स में जाएंगे. एंड 5-2 वाला जो एंट्री है अगर आप देखें फॉर्मूला में आई जे की जगह नाउ वी नीड टू टेक द एंट्री फॉर के जे. सो हमारे लिए के है 4, ठीक है? एंड जे ऑफकोर्स है 2. मैंने बस वही किया है जो मुझे फॉर्मूला करने बोल रहा है. इसका एक्चुअल लॉजिकल मीनिंग ये है कि अगर तुम्हें आई से लेके जे जाने में एक नया रास्ता वाया के मिल रहा है तो जब आप बैक ट्रैक करोगे उसमें आप ये लिखो कि के तक पहुंचने का बेस्ट रास्ता कहां से होके जाता है.
ठीक है, ये वही वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आपको दुर्ग से दिल्ली जाने का नया रास्ता मिला वाया बिलासपुर, तो जब आप दिल्ली से बैक ट्रैक वाला रूट लिखोगे तो आप ये बोलोगे कि दिल्ली पहुंचने के लिए पहले बिलासपुर पहुंचो, क्योंकि हमको पता चला है कि बिलासपुर से होकर रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टू मेक दिस एंट्री, टू मेक द एंट्री ऑफ पाई 452 आई नीड दिस एंट्री पाई 342, एंड हाउ डू आई गेट पाई 342, पाई 342 कैसे आएगा, मैं जा रहा हूं पाई 3 वाले मैट्रिक्स में, यू कैन सी दिस इज पाई 3, पाई 342 ये एंट्री है पाई 342 का, एंड पाई 342 मुझे मिल रहा है 3, ठीक है, दिस इज पाई 342 एंड पाई 342 3 है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है 3, दिस इज बेसिकली पाई टेकन फ्रॉम द थर्ड मैट्रिक्स एंड दिस इज द एंट्री 42। अब आप मुझे बताइए, इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ, यस नो, यस सर, या नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट सी दिस एंट्री, एक बार जरा इसको करके देखो बेटा, 53 का एंट्री चेक करो, 53 V5 से V3 का एंट्री, कैन यू कैलकुलेट दिस मैट्रिक्स, V5 से V3 देखो, डू यू एग्री विथ दिस एंट्री, क्या ये 4 होना चाहिए, आई विल वेट हियर, चेक द एंट्री फॉर 53, लास्ट 2 मिनट्स जल्दी कीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, ओके, सो आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू, आई थिंक अगले प्रोफेसर वेट कर रहे होंगे, एंड मैं ऐसा करूंगा, मैं अगला वाला जो क्विज है मेरे लेक्चर का क्विज अगले प्रोफेसर के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ, बिकॉज प्रोफेसर अगले जो सब्जेक्ट टीचर वेट कर रहे होंगे वो, इट्स ऑलरेडी 11:05, सो वट आई एम डूइंग इज आई एम शेयरिंग द स्लाइड विथ यू, ठीक है, सो दैट यू कैन सी द कैलकुलेशन, एंड आई विल शेयर द क्विज आफ्टर द कैलकुलेशन, द क्विज इज वेरी इजी, वेरी ट्रिकी क्विज, वेरी वन लाइन क्विज एक्चुअली, ठीक है, कैन वी लीव, यस सर, सो आई एम लीविंग द लेक्चर, ठीक है, एंड आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू, या थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।